बच्चों क्या हाल हैं? मैं विक्की सिंह और एसयूपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए करियर चेंजिंग होने वाली है और बहुत सारे काउंसलर्स के लिए घाटे का सौदा होने वाली है। तो सीधा सीधा पंगा लेने का मन है इस बार 2025 में। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा देख के चेक कर लो वीडियो कैसा है, फिर उसके बाद चलो। सबसे पहली बात, काउंसलिंग में जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, उन गलतियों की वजह से एक बच्चा जिसको एक कॉलेज मिल सकता था वो उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता, या एग्जैक्टली उस राउंड में नहीं पहुंच पाता जहां पर वो पहुंच सकता था। जबकि उससे कम रैंक वाले कुछ बच्चों को MBBS कॉलेज अलॉट हो जाता है या BDS, बट उस बच्चे को उसका डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाता, या उसे वो कॉलेज मिलता है जो उसको डिज़ायर्ड नहीं होता। इसके लिए पेरेंट्स बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो वो काउंसलर्स से कांटेक्ट करते हैं। काउंसलर्स की कोई कमी नहीं है, जो कि उनसे मनमाने पैसे चार्ज करते हैं, जो शुरू होते हैं कुछ हज़ार से और लाखों तक चले जाते हैं। लिटरली मैंने इस बार भी 5 लाख से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हुए लोगों को देखा है। और मतलब 5 लाख रुपये यार काउंसलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा है, और कुछ हज़ार भी क्यों दिए जाएं अगर आप ये काम खुद ही कर सकते हैं, या आप हमारी मदद ले सकते हैं जो लाखों रुपए तो आपसे चार्ज नहीं करने वाले। सीधी सी बात है देखो, और इस बार जो बच्चे कॉलेजेस में पहुंचे हैं वो कुछ हिडन नहीं है, सारी चीज़ें आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी। चलो तो पहले अपना रिसर्च कर लेना, और PWD बच्चे हो तो मुझे नहीं लगता आप सब कुछ करके ही पहली बार आए होगे। तो बच्चे सबसे पहले काउंसलिंग के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये आपके माँ बाप के बहुत पैसे बचा ले, आपका करियर बचा ले, और आप जो गलतियां करने वाले हो डेफिनेटली होती हैं। अच्छा ये मत समझना कि कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गया है नीट में तो ये गलतियाँ नहीं करता, करते हैं। मैं बताता हूँ एम्स, चलो एक बच्चा दिल्ली में अभी राउंड वन में MAMC उसको अलॉट हुआ था, अब उसने अपग्रेड के लिए डाला। अपग्रेड का मतलब होता है, अगर आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते तो अपग्रेड का मतलब होता है कि नेक्स्ट राउंड में एक बेहतर कॉलेज के लिए हम दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसको नेक्स्ट राउंड के अंदर एम्स मिला, पर दिल्ली नहीं, कोई और, ठीक है, अब वैसे नागपुर। तो ये दिक्कत हुई क्यों? ये दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि वो बच्चा एम्स नागपुर के लिए तो पक्का नहीं जा रहा होगा, ठीक है, वो जा तो एम्स दिल्ली के ही रहा होगा, लेकिन एम्स दिल्ली ना मिलकर उसको वो मिल गया, और मौलाना आजाद जैसा कॉलेज अब उसको छोड़ना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि काउंसलिंग में उसने ये गलती की, क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ठीक से नहीं बनाई, ये गलती उससे बहुत बड़ी हो गई। तो हमें क्या क्या करना चाहिए ये आप चीज़ सुन लीजिए। सबसे पहले हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जब बनानी चाहिए, ठीक है, तो हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है, दिल का नहीं। अब इसका एक डिफरेंस बताता हूँ, जैसे कि आप में से सब बच्चे जो हैं सबका सपना क्या होगा, एम्स दिल्ली जाना है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जाना है, JJ जाना है मुंबई में, या SMS जाना है मुझे राजस्थान में, या एम्स नागपुर जाना है, या एम्स बीबी नगर जाना है, है ना, और इसी तरीके के, या जिपमर जाना है, इसी तरीके के आपके ड्रीम्स होंगे, ठीक है। तो आप हमेशा बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज चाहते हैं, तो जब आप नीट का एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स इतने आ जाते हैं, जो कि इस बार 660 रहेगा 2025 में, इससे डाउन जाएगा नहीं, तो अब 660 नहीं तो 650 तो है, ये तो बेंचमार्क हो गया आपका, ठीक। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आप ये थोड़ी ना सोचेंगे अरे यार एक सीट मिल जाएगी, आप सोचोगे क्या पता यार मुझे एम्स दिल्ली या मौलाना आजाद मिल जाए, लेकिन आपका माइंड जानता है कि कट ऑफ उसकी कभी भी 700 से डाउन जाएगी ही नहीं ऑल इंडिया में। सीधी सी बात है, एम्स दिल्ली को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब आप काउंसलिंग के लिए बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, आप एम्स दिल्ली को नंबर वन पर ही रखेंगे, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले 7 जन्म भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्स दिल्ली की कट ऑफ 650 या 660 जो भी आपके मार्क्स में, नॉर्मल एक मार्क्स मानता हूँ कि हाँ यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा 2025 में, तो आपको इन नंबरों पर जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली कभी भी नहीं मिलेगा। तो उस कॉलेज को नंबर वन पर लगा के आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं ना। लेकिन समझदारी क्या होती है कि आप उस कॉलेज को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर लगाते जो कॉलेज आपको मिल सकता है या जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको सीट मैट्रिक्स देखना है
व्हाट इज सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब है काउंसलिंग के किसी भी राउंड से पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, जिसे मोप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, तो उससे पहले चाहे स्टेट की काउंसलिंग में जाएंगे आप, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे जो MCC कहलाता है, तो उससे पहले सीट मैट्रिक्स आता है। क्या इसका मतलब है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट अवेलेबल है इस पर्टिकुलर राउंड के लिए और किस किस कैटेगरी के लिए। एग्जैक्टली बात समझ में आ गई। उसको देखेंगे और वहाँ देखने के बाद हमको ये पता लगाना होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली हमारी कैटेगरी में कॉलेज सीट्स दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यही देखनी होती है कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड चीज़ आप क्या देखेंगे, क्यों अच्छा कि ये देखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कोई कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर आप मान लीजिए आपकी कैटेगरी है EWS, बट कोई आपने कॉलेज चुन लिया, मान लीजिए कोई XYZ कॉलेज है फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगा रखा है, बट वो उस पर्टिकुलर राउंड में आपकी कैटेगरी के लिए EWS के लिए सीट्स दे ही नहीं रहा, वहाँ पर वो सीट्स ऑफर कर ही नहीं रहा, तो उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में लगाकर आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जबकि आपके जो चांसेस हैं वो घटेंगे एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए या डिजर्विंग कॉलेज मिलने के चांसेस आपके घट जाएंगे। यही तो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को गलत कॉलेज या लो रैंक्ड कॉलेज या आपसे नीचे वाले को एक कॉलेज और आपको नहीं मिल पाता है। इसी तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो ये दूसरी चीज़ आप देखेंगे। अब उसके बाद आप अगली चीज़ क्या देखेंगे, जिस कॉलेज को आप प्रेफरेंस में लगा रहे हैं और जो आपके मार्क्स हैं और आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस देखेंगे लास्ट 2 से 3 साल का, कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का या उस पर्टिकुलर स्टेट का कट ऑफ गया क्या था, क्या इस बार जो लास्ट जो रैंक थी और इस बार जो मेरी रैंक है क्या हो सकता है, अगर वो नियर बाय का मामला है तो आप उस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में लगाएंगे और अगर आपके बिल्कुल अंडर है तो आप उसको टॉप पे लगाएंगे। इसी तरीके से आपको चीज़ों को अरेंज करना होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग में वो ये है कि अगर MBBS के लिए जा रहे हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट में चूज़ किए हुए कॉलेजेस के सामने कोर्सेज को देखना ना भूलें, MBBS ही होने चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं MBBS कॉलेज के चक्कर में BDS कॉलेजेस को बीच में लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ MBBS कॉलेजेस का नाम एग्जैक्टली BDS कॉलेज के जैसा ही है, जैसे मौलाना आज़ाद, ठीक है, क्योंकि सेम कॉलेज में MBBS एंड BDS दोनों कोर्सेज जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये गलती हो जाती है, सुनने में फनी लगेगी, हर साल ये गलती होती है, इस बार भी हुई है, अगली बार भी हुई है, हर बार होती है, पर हर बार मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये गलती हुई है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो नीचे कमेंट करके बता देना कि BDS कॉलेज अलॉट हुआ, अब राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज लकीली मिल गया, ठीक है, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए थे, ओके। तो बेटा ये गलतियां आपको नहीं करनी है। चलो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है बच्चे, हम अपग्रेड के लिए जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अपग्रेड के लिए जाते हैं। व्हाट इज अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब होता है मान लीजिए राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला, अब वहां पर दो तरह के बच्चे हैं, पहले यार ये कॉलेज तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये मुझे मिल गया बहुत दूर है भैया, लैंग्वेज प्रॉब्लम है भैया, फूड का बहुत दिक्कत हो रहा है यार, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, या भैया यहाँ पे और भी किसी तरह की प्रॉब्लम मुझे है, तो क्या सेकंड राउंड में मुझे एक अच्छा बेहतर कॉलेज मिल सकता है। तो आप अपग्रेड के लिए जाते हैं, मतलब आप सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में अगले राउंड में जाते हैं ताकि आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके। अगर आपको अगले राउंड में एक बेहतर कॉलेज या आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वो मिल जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस कॉलेज से लेकर दूसरे कॉलेज में जमा करा देते हैं और वहां पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। अब सेकंड तरह के बच्चे कौन होते हैं, जो कि जो कॉलेज उनको मिल जाता है वो उससे सेटिस्फाई हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आता है यार क्या हो कि मुझे कोई बेहतर कॉलेज मिल जाए नेक्स्ट राउंड में, तो वो भी अपग्रेड के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं, और एक ऑप्शन ये है कि आपको जो सीट मिली आप कॉलेज गए नहीं, आपको कहा यार मेरे को जाना ही नहीं है, सेकंड राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मैं फ्री एग्जिट ले लेता हूँ, उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट, जो राउंड 1 में आपको फैसिलिटी मिलती है राउंड 2 में आपको नहीं मिलती, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है आपको लग रहा है यार राउंड 2 में देखेंगे कोई अच्छा कॉलेज, अभी मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं, ठीक है, फॉर एनी रीजन आई डोंट वांट टू गेट दिस कॉलेज, तो मैं नहीं जा रहा कॉलेज में, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सिक्योरिटी अमाउंट, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आप जा सकते हो, अगर सेकंड राउंड में भी ऑप्शन है, वैसे फर्स्ट राउंड में ही होता है, सेकंड राउंड में होता नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं जो सेकंड राउंड में भी इस फैसिलिटी को देती हैं, पर ऑल इंडिया में ये नहीं मिलता, तो इस बात को याद रखना। लेकिन बेटा अपग्रेड करते हुए एक चीज़ है जो कि आपको परेशान कर सकती है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, वहाँ पर अपग्रेड के लिए ऑप्ट करना है, फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग करनी है, और फिर सेकंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको दोबारा से उस कॉलेज को विजिट करना है जहाँ पर आपने एडमिशन लिया था,
वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, फीस लेनी है, और जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाना है और वहां पर ये सारी चीजें जमा करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। मतलब आपके लिए दो बार तीन बार का भागदौड़ तो हो गया, और कॉलेज बहुत डिस्टेंस पे है तो परेशानी तो होने वाली है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। और अपग्रेड करते हुए भी बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, तो अपग्रेड में बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में उनको कोई एक्स वाई कॉलेज मिला था, मान लीजिए उनको मिल गया तेलंगाना में और वो दिल्ली से हैं, उनको नहीं जाना तेलंगाना, या उनको लगा यार काफ़ी दूर है, मैंने वो गए, उन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पर अपग्रेड के लिए ऑप्शन दे दिया कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, क्या पता मुझे सेकेंड राउंड में कोई बेहतर कॉलेज पास कॉलेज मिल जाए। और हुआ क्या कि उन्होंने जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की तो सेम कॉलेज को उन्होंने फिर से अपनी प्रेफरेंस में लगा दिया। उनके मन में डर आया या जो भी उनसे गलती होगी, तो ये होगा कि आपको सेम कॉलेज दोबारा से अलॉट हो जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी होती है, याद रखना, उस कॉलेज को नहीं लगाना होता। पर कई बार वो सेम कॉलेज सेकेंड राउंड में आता ही नहीं है, सेम सीट के साथ सीट सारी फुल हो जाती हैं, तो कई सिनेरियो हैं, बट उसको लगाना नहीं होता है। और इसी तरीके की बहुत बहुत सारी और गलतियां हैं जो काउंसलिंग के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। इतना सा ही काउंसलिंग का बेटा नॉलेज है, इतना सा ही काउंसलिंग का बेटा जो कि साइंस है, जो कि आपको ये बेसिक साइंस आना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यार नीट की तैयारी कर ले, नीट क्रॉस कर ले, उसके बाद तो कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। अरे यार तुम्हारे करियर का सवाल है तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाने के बाद, रैंक लाने के बाद उस रैंक पे कॉलेज तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तभी तो ये काउंसलर जो है मोटी मोटी फीस ले लेते हैं, इस डर का यूज करके ही तो लेते हैं। तो आपको इस डर से बाहर निकलना है कुछ। और अगर आप PWD स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आपके मार्क्स 150-160 के आसपास आएंगे और अगर यही क्वालिफाइंग कैटेगरी रही, जो मुझे लगता है इतनी रहेगी, तो हो सकता है कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए 150 प्लस चला जाए इस बार, तो कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। तो आप ट्राई, इतने कम का ट्राई करना मत यार, कम से कम एटलीस्ट 200 प्लस तो मार्क्स ले आना, वट एवर कैटेगरी, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है 200 से ऊपर ले आना, काफ़ी सेफ हो जाओगे, मिल जाएगा तुम्हें कॉलेज, ठीक है। कॉलेज की गारंटी मेरी है, मैं तुम्हें कॉलेज दिलवा दूंगा, प्रेफरेंस लिस्ट मैं बनवाऊंगा, आप सबकी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाऊंगा बेटा 2025 के लिए। और ये लाखों रुपए इधर उधर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंसलर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है नहीं, और सारी सॉल्यूशंस आपको यही मिलेंगे। और जो एनालिसिस होता है ना, जो मैं एनालिसिस की बात कर रहा था कि कट ऑफ क्या गया था, इस कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा, तो अभी इस कॉलेज का क्या रह सकता है, तो इसको प्रेफरेंस में ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, रखना कहाँ पे है, ये सारा गाइडेंस तुमको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल मत करना, पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। चीज़ें बहुत बोरिंग है मेरे आसपास, मुझे पता है, पर ऐसे ही है जो भी है। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक, और नीचे बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। चैनल को फॉलो कर लो, SPP इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लो, हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के लिंक नीचे हैं। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा नाम विक्की सिंह है और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे मेंशन है, तो वहां पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेंबर बन जाओ, जुड़ जाओ इस चैनल से एज ए मेंबर, ज्वाइन बटन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करो, उसका लिंक भी वैसे मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है, ज्वाइन हो जाओ, मेंबर बन जाओ, चैनल को सपोर्ट होता है, चैनल आगे बढ़ेगा, आप मेंबर बनोगे तो आपकी बात बहुत जल्दी सुनी जाएगी और जितनी भी परेशानियां आपको बीच में आने वाली हैं उन सबका सोल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।